तो गाइज ये है रोज आइलैंड। अभी तो बारिश का पानी जो है ना डैम में पूरा भरा हुआ है, जिसके कारण आपको हरियाली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यही है रोज आइलैंड। क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ का। हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और मैं पहुंचा था आज रोज आइलैंड में। और रोज आइलैंड ये पूरा एरिया जो है ना, ये रोज आइलैंड का है, उस साइड में भी है पूरा बड़ा सा एरिया रोज आइलैंड का। ये अभी नया नया ही यहाँ पे मतलब फेमस हुआ जगह, बहुत लोग अब विज़िट कर रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस की तरह। रांची से लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर मेरे घर से, क्योंकि 26 किलोमीटर दिखा रहा था, तो 30 किलोमीटर अप्रॉक्स समझ लीजिए कि यहाँ पे आप 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। मैं अपना कैंप पिच कर लिया हूँ, कैंप पिच हो गया है, टेबल वगैरह सारा सेट हो गया है। अब पहले तो फटाफट अपने लिए चाय बनाते हैं, क्योंकि अभी हो रहा है शाम का लगभग 4:30, और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद कुछ खाने के लिए बनाएंगे, अभी तो टाइम बहुत है। और मौसम लग रहा था एक बार बारिश होगा, बट अब नहीं लग रहा, मौसम खुल चुका है, नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का। बस एक चीज़ मिसिंग हो गया, मैं फ़िशिंग के लिए भी सोच के आया था मैं कि शायद यहाँ पे फ़िशिंग के लिए मुझे अच्छा जगह मिल जाए, लेकिन इतना डीप जाना पड़ेगा ना, क्योंकि छिछला पानी है यहाँ से काफ़ी आगे तक। तो अगर फ़िशिंग करना है तो कम से कम 30 फुट 40 फुट के आसपास अंदर घुसना पड़ेगा, वहाँ जा कर के फिर वो घास के आगे जा कर खड़े होकर के वहाँ पर फ़िशिंग कर सकते हैं, तो उतना कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो फिर कहीं और किसी अच्छे वो जगह पर जाएँगे, तब वहाँ पर फ़िशिंग करेंगे। तो इस बार तो फिशिंग नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर। फ्रेंड्स चलते हैं अपने लिए, अब चाय बनाते हैं बढ़िया सा। इतना तेज हवा है, इतना चीनी में तो हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अपना कॉफ़ी बन रहा है, ये देखिए कॉफ़ी भी बन रहा है। रास्ते में जो दूध लिए थे ना, लगता है कि वो सही से रखा नहीं होगा फ्रिज वगैरह में, क्योंकि पूरा दूध फट गया। तो अब अपना जो चाय है ना, वो तो बन नहीं पाएगा, तो ट्राई करते हैं कि लेमन टी बने, ठीक है, और लेमन टी ही आज पियेंगे। दूध तो गया। तो फ्रेंड्स हो गया था अपने साथ कांड यही हुआ कि दूध अपना फट गया। अब दूध फटा है तो ही चाय तो पीना है, चाय पीना है तो अब लेमन टी बनाएंगे, क्योंकि अब
दूध का चाय तो बनेगा नहीं। लगा है चाय, पत्ती डाले बगैर खोल रहा है, सीमेंट के बंदे हैं, ढाल लेते हैं इसको। चाय पत्ती है मतलब चाय छानने वाला अपने पास है नहीं, धीरे धीरे डालते हैं ताकि चाय पत्ती जितना कम से कम हो जाए। लेमन डालते हैं, लेमन तो अब लेते हैं लेमन टी का मज़ा। मस्त लेमन टी बना है, मज़ा आ गया। और इधर मछली भी मारते हैं लोग, चलिए देखते हैं उनके पास मछली है या नहीं। तो गाइस ये है यहाँ का नज़ारा। कोशिश तो किए थे, गए थे मछली वाले लोग के पास, शायद उन लोग मछली पकड़े होंगे बोल के, बट था नहीं उन लोगों के पास मछली। वो लोग अभी सिर्फ जाल लगाने आए थे, वो लोग कल निकालेंगे इस जाल को। टमाटर बिल्कुल स्लाइस में काट देता हूँ, एकदम रफली चॉप। अब चलते हैं ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं। चॉपिंग अपना हो गया है कंप्लीट। ब्रेड ऑमलेट में ना थोड़ा चिकन के पीसेस डाल के देखता हूँ कैसा लगता है। इसको भी थोड़ा पतले स्लाइस में ताकि जल्दी ये फ्राई हो जाए। पहले तो इसमें ऑयल डालते हैं इतना ही। ये रहा नमक और थोड़े मसाले हैं मेरे पास तो वो डाल दूंगा। हल्का सा लाल मिर्च, मतलब ये कश्मीरी मिर्च है, वगैरह बस अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने चिकन के पीसेस डाल दिए हैं, हवा के कारण ना ये सही से पक नहीं पा रहा है, सारा ये जो है ना आग की साइड आ रहा है। इसे ऐसे रहता तो ये पकता। इसको एक काम करते हैं, ढक करके पकाने का कोशिश करते हैं। ये ढक दिया मैंने। क्या व्यू है यहाँ का ना, बहुत मस्त व्यू है, मज़ा आएगा अगर आप कभी इधर आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, आराम से बहुत अच्छे से शांति से घूम सकते हैं यहाँ पे। और व्यू भी बहुत प्यारा सा है, सामने डैम है। ये डैम एक्चुअल में इसको बोलते हैं रुका डैम, ये रुका डैम है। अभी एक हादसा भी हुआ है, यहाँ नहीं हुआ, चांडिल डैम में हुआ है जो जमशेदपुर रोड में पड़ता है। वहाँ एक हादसा हुआ था, शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा, वहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ था। मतलब बड़ा प्लेन नहीं था, वो प्राइवेट प्लेन था, ट्रेनिंग वाला, जो क्रैश हुआ था। बैड न्यूज़ भी है क्योंकि क्रैश में ना दो लोगों की डेथ भी हुई थी। मैंने इसके हवा रोकने के लिए ना ऐसे मसाले का डब्बा डाला है, कहीं मसाले का डब्बा ही ना जल जाए। लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि ये पक रहा है। हाँ अब ये पक रहा है ना, हम देखते हैं क्या ये पक गया है क्या। नहीं अभी तो पका नहीं है। हाँ थोड़ा चलाते हैं, पलटेंगे तो फिर दोनों साइड से अच्छे से पकेगा ना। तो अच्छा तो मैं चाकू से पलट लेता हूँ, नुकीला है ना, थोड़ा इजली हो जाएगा।
थोड़ा सा इसको और ढक देते हैं। सनसेट हो गया है, एक नाव भी खड़ी है सामने सनसेट के पास। क्या व्यू है भाई, मैं ले जा रहा हूँ आपको सनसेट पॉइंट के पास, क्योंकि यहाँ जो सनसेट हो रहा है ना बड़ा मस्त लग रहा है देखने में, क्योंकि एक नाव भी वहाँ पे खड़ा है ना तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, है ना। बढ़िया परफेक्ट व्यू आ रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अक्सर नाइट कैंप करता हूँ तो थोड़ा सा सेफ्टी तो होना चाहिए, तो मैंने सेफ्टी के लिए देखिए मैंने क्या मंगाया है। ये है एक छोटा सा स्टिक, ये सेफ्टी स्टिक है, इसका वेट लगभग 1 kg है, 1 kg के आसपास तो ज़रूर है। अगर सपोज़ कि कोई अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो किसी पे कुछ थोड़ा सा अगर किसी को डराना हो या थोड़ा सा मतलब अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करना हो तो आप ऐसे, मतलब ये सिंपल सा लग रहा है छोटा सा, लेकिन इसको आप ऐसे ओपन करेंगे ना, ये देखिए देख रहे हैं ये स्टिक है, देखिए मजबूत है, काफ़ी मजबूत है। इसको फिर अंदर करने के लिए ऐसे मार देंगे, ये चला गया अंदर, है ना, है ना काम का चीज़। मैंने इसे मंगवाया है, मैं यूज़ करके देखता हूँ, ऐसे भगवान से तो यही, ऐसे मैं तो यही सोचता हूँ कि इसका उपयोग कभी ना हो, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा नहीं है, और ना पड़े तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने इसे मंगाया है। गंदगी नहीं करना यहाँ, नमक भाई साहब नमक, मैंने ऐसे हवा रोकने के लिए थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि मेरे पास विंडशील्ड है नहीं और बहुत तेज़ हवा आ रहा है, जलने नहीं दे रहा बिल्कुल। अब बनाते हैं अपने लिए ऑमलेट, एक्चुअल में ब्रेड ऑमलेट बनेगा, इस पर थोड़ा ना, इस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये भी हो, मज़ा आए, है ना। थोड़ा चिकन के पीसेस ऐसे डाल देता हूँ, ये हो गया, तो ये एक पीस यहाँ डालता हूँ और एक पीस इधर, थोड़ा सा छोटा साइज है ना पैन का, तो ये बिल्कुल आ नहीं रहा, लेकिन एडजस्ट करके तो बना ही होगा, है कि नहीं भाई साहब। मेरे ब्रेड ऑमलेट का तो बुरा हाल हो गया है, ये पलट ही नहीं रहा था, मैं सोच रहा हूँ अब इसके अंदर क्या करूँ कि ये सारे चिकन के पीसेस डाल देता हूँ। इसका खाना जो है थोड़ा अटपटा बन गया, ये देखिए मैं ना इसको जगह हूँ है नहीं, सैंडविच की तरह बन गया ये, तो ये बना है अपना टूटा फूटा ब्रेड ऑमलेट, इसको डालते हैं यहाँ। अब आते हैं पास, दिखाता हूँ, ये जब है ना टूट गया तो सारा इसको जो है ना सैंडविच की तरह बना देता हूँ, ये हुआ, ये मस्त लग रहा है, ठीक ही है, काम चलाओ तो है। अब चलते हैं खाने, क्योंकि भूख बहुत लग रहा था, गर्म तो काफ़ी है, घटिया भले दिखने में जैसा भी हो लेकिन टेस्टी है। मस्त मज़ा आ रहा, मेरा हो गया है, अब है टाइम लाइट जलाने का, तो मैं जलाता हूँ अपना लाइट, ये रहा,
अभी बीडिंग लगाना है, सोना है, इधर सामान पूरा बिखरा पड़ा है, देख रहे डिनर बन गया था इसको तो। गाइस मेरा डिनर हो गया और काफ़ी शाम हो गया है, बिल्कुल इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है जंगल के अंदर में, मतलब जंगल नहीं है ये, पेड़ों का ये है, वहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इधर थोड़ा नज़र आ रहा है। अभी मेरे पास दो मछुआरे आए थे और वो लोग एक्चुअल में मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहे, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं रुक सकते आप निकल जाइए। तो बस खाना तो मेरा हो गया था, अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी खाना बना लिया था, और अब फटाफट अपना पैकिंग करते हैं और निकलते हैं घर। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिए यार, कमेंट करिए वीडियो में, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, तो कमेंट आप करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, क्योंकि मेरा अभी पैकिंग का काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा लग जाता है मुझे पैकिंग में, और यहाँ पर वो लोग जल्दी निकलने के लिए बोल के नहीं आ रहा है, इतनी रात को भी प्रॉब्लम हो सकता है, भागना पड़ सकता है आपको, तो जब भी आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहे ना तभी कैंपिंग में आया करिए, कि मैं जैसे कैंपिंग में भी आया था, अब मुझे इतनी रात में, आपको इधर कुछ दिख रहा है, अब यहाँ से मुझे घर जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है ना कि थोड़ा सा फील होता है।